एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक सासनी में स्थित गोहाना नया नगला गाँव पहुँचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 5 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर है। लगभग 3500 की आबादी व 1600 वोटरों द्वारा सरोज देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 524 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 89 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 60 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 5 खराब हैंडपंपों को भी रिपोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 70 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 50 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 400 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, 20 सीसी टाइल्स रोड, 15 पुलिया, खड़ंजे, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, पशु चिकित्सालय, बारात घर, खेल का मैदान, स्कूल में मरम्मत कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। प्रधानपति और नया नगला गोहना तहसील सासनी जिला हाथरस और मैंने अपनी पंचायत में जो भी काम कराए हैं, 3 सड़कें बनवाई हैं और 50 लाइटें लगवाई हैं और 400 शौचालय भी बनवाए और सब मतलब मैंने मांगे भी रखी हैं अपनी, क्योंकि पैसा भर के आना चाहिए, पैसा भी नहीं आ पा रहा पूरी तरह से भर के जो मैं कार्य करा सकूं। गांव के व्यक्ति भी परेशान रहते हैं ज़्यादातर और मुझे चाहिए एक पंचायत घर भी चाहिए और मतलब अलग से और लाइट मैंने मांगी है 50 और सर आगे के लिए मतलब जो भी कार्य है मैं इन्हें दे रहा हूँ। सरकार से मेरी कि मेरे खाते में बहुत छोटी सी धनराशि आती है, उससे मैं गांव का विकास कार्य पूरी तरह से नहीं कर पाता हूँ। जनता भी मुझे परेशान करती है। निवेदन यह है मेरा कि मेरे खाते में इतनी धनराशि आए कि मैं जनता को खुश रख सकूँ। चाहे मैं ना खुश रहूँ लेकिन जनता खुश रहे तो मैं खुश हूँ, बस इतना ही होना चाहिए।